साइबर क्राइम करते 8 गिरफ्तार, 18 मोबाइल, 32 फर्जी सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड जब्त। देवघर साइबर थाना पुलिस ने रविवार रात को सारठ सरवा मोहनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग गांव से 8 साइबर अपराध क्राइम करने वाला आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सोमवार को सभी युवकों से पूछताछ के बाद हिरासत में भेज दिया गया है। उक्त बातों की जानकारी साइबर थाना प्रभारी कृष्णानंद सिंह ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने कहा कि एसपी के निर्देश पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। विभाग द्वारा अलग अलग छापेमारी टीम गठन कर अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर क्राइम करने वाला युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों में से सारठ थाना क्षेत्र के बसाटाड़ गांव निवासी रिजवान अंसारी, पिता सलीम मियां, पिंटू कुमार दास, पिता झगरू दास, फुलचुबा गांव निवासी सचिन कुमार दास, पिता सतीश महरा, असाना गांव निवासी मनोज मंडल, पिता राम प्रसाद मंडल, तंगीडी गांव निवासी विनोद महरा, पिता मथुरा महरा, सारवा थाना क्षेत्र के ललुआडी गांव निवासी जाहिद अंसारी, पिता हबीब मियां, सलीम अंसारी, पिता सागिर मियां, तथा मोहनपुर थाना क्षेत्र के कटवन गांव निवासी संतोष कुमार यादव, पिता रामचंद यादव आदि शामिल है। गिरफ्तार सभी युवकों के पास से 18 मोबाइल, 32 फर्जी सिम कार्ड, 2 फर्जी एटीएम कार्ड एवं सभी मोबाइलों की जांच की गई तो सभी मोबाइलों में साइबर क्राइम करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए सभी लोग इंटरनेट सर्च इंजन गूगल एड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर फर्जी मोबाइल नंबर डालकर अलावा अन्य कई जाने माने वेबसाइट तैयार कर लोगों को अपने झांसे में लेकर उनका जमा पूंजी अपने नाम कर लेता है।